हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4KU व्लॉग। और हम आ चुके हैं मनमाड़ स्टेशन, जैसा कि हमारी कल की जर्नी थी सुबह, और आज आ चुके हैं हम रात के 2:30 बजे लगभग। देख सकते हैं हमारी गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है, और जैसा कि है एक और शिव महापुराण की कथा जो कि सीहोर के पंडित जी प्रदीप मिश्रा द्वारा यहाँ पर औरंगाबाद में होने वाली है। तो हम आ चुके हैं औरंगाबाद के लिए अभी मनमाड़, और मनमाड़ से कैसे जाना है तो हमारे ब्लॉग में बने रहना आपको जरूरी है। पूरे रास्ते को दिखाते हैं और कैसे कैसे हम जाते हैं, तो हमारे 4KU व्लॉग में बने रही दोस्तों। और हमारे 4KU व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते ही रहें। और इसी प्रकार से शिव महापुराण की जहाँ जहाँ कथा होगी हम वहाँ वहाँ आपको लेके चलेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और चलते हैं एक नई जर्नी की ओर। मैं मनमाड़ में, और ये है मेरी वाइफ और ये है मेरी बेटी, और हम आ चुके हैं मनमाड़ में। और दो हमारे इधर लल्लू घूम रहे हैं जिसको मैं आपसे मिलाता हूँ, देखिए। और हमारी गाड़ी लगभग अभी छूट चुकी है, तो हम अभी मनमाड़ में आ चुके हैं। मॉर्निंग में है अभी, इसका गुड मॉर्निंग हो रहा है। रात के 2:30 बजे ही हो गई, 2:30 बजे ही रात को गुड मॉर्निंग फ्रेश हो लिया है, और नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जबलपुर की कथा कैंसिल हो गई है, और पंडित जी की कथा जो है अब है औरंगाबाद में। तो हम आ चुके हैं औरंगाबाद के लिए, तो फिलहाल हमें औरंगाबाद के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली, तो हम आ चुके हैं अभी मनमाड़ स्टेशन, और रात में 2:30 बजे करीबन यहाँ पर उतरे हैं। अब यहाँ से देखते हैं कौन सी गाड़ी मिलती है। और यहाँ से मॉर्निंग में एक लोकल है जो 6 बजे है, तो हम लोग मॉर्निंग में उस लोकल से जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम अभी स्टेशन में बैठ के वेट कर रहे हैं गाड़ी का। पूरा हिस्ट्री चार्ट है हमारे पास में, लेकिन पूरा रिसर्च मैं कर रही हूँ। अभी हमको कैसे कैसे जाना है तरीके से आप कह सकते हैं, इनकी गूगल पर्सनल गूगल। यदि आप भी अभी कथा में आना चाहते हैं तो अभी आप आ सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी देखें और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को फटाफट जैसे ही आप क्या है आप देखें और सब्सक्राइब करें। जैसा कि अभी हम आ चुके हैं औरंगाबाद, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे औरंगाबाद का स्टेशन, और बहुत ही खूबसूरत है औरंगाबाद का स्टेशन, काफ़ी अच्छा बना हुआ है आपको जैसा कि हमारे वीडियो में देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ तक जो है आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं। तो गाइज अब निकलते हैं आप कथा पंडाल की ओर, और देखते हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है और कैसा है माहौल। तो बने रहिए हमारे साथ 4KU व्लॉग में। सो गाइज, स्टेशन से मात्र 10 कदम की दूरी पर यहाँ पर है बस स्टैंड, और यहाँ से आप बस की सुविधा भी ले सकते हैं, और ऑटो वगैरह यहाँ पर रेगुलर मिल जाएगा आपको। तो ये है निकासी द्वार, और यहाँ से अभी हम निकलेंगे बाहर की ओर।